वैदिक ज्योतिष में जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका सीधा असर मानव जीवन पर पड़ता है लेकिन जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो पूरी तरह से आपकी आत्मा पर इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है तो सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे चौदह जनवरी को और इसको हम मकर संक्रांति इसी दिन मनाई जाएगी हालांकि देखिए सूर्य देव को ज्योतिष में आत्मा का कारक पिता का कारक मान सम्मान सरकारी नौकरी का कारक माना जाता है और मकर राशि में एक साथ देव बुद्ध सूर्य तीनों ही मौजूद होकर त्रिग्रही योग भी बना रहे हैं अब ज्योतिष ये कहता है कि शुभ और अशुभ दोनों ही तरह का परिणाम देगा जबकि मकर राशि में सूर्य के गोचर करने से जीवन में सकारात्मक यानी पॉजिटिव बदलाव आएंगे पर जो शनिदेव यहाँ अपने ही घर बैठे हैं देव बैठे हैं ऐसे में तीनों मिलकर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे क्योंकि सूर्य जब अच्छा फल देने पर आए तो यकीनन व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है उसकी वाणी का वेट बढ़ता है व्यक्ति अच्छा बोलता है बहुत सारे फॉलोअर उसके हो जाते हैं लोग उनको सुनना पसंद करते हैं वही बुद्ध का भी प्रभाव है कि आपकी वाणी की शक्ति बढ़ जाती है और यहाँ तक कि आपके संचार के माध्यम से आपको सुखद समाचार मिलने लगते हैं अब यहाँ पर बुद्ध सूर्य और शनिदेव तो चौदह जनवरी शुक्रवार दोपहर दो बजकर दो तीस मिनट पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे और रविवार तीन इकतालीस तक तेरह फरवरी की रविवार तीन इकतालीस तक यहीं पर रहेंगे तो यकीनन आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा ही लेकिन दूसरी तरफ एक खास बात यह भी है कि देखिए वैदिक ज्योतिष में शनि और सूर्य के बीच शत्रुता होने के बावजूद सूर्य मकर राशि में गोचर करते हैं तो जीवन में उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता अब दसम भाव मकर राशि यानी दसम भाव जो प्राकृतिक राशि है सूर्य दसवें भाव में होने पर अच्छा फल देते हैं और मकर राशि के स्वामी गृह देव हैं जो न्याय के देव हैं तो सूर्य जब आएंगे मकर राशि में तो जीवन को लेकर एक पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे जो ठंड के मौसम में ठिठुर रहे हैं जो जीवन में एकदम से लग रहा है शिथिलता आ गई है उनसे बाहर निकालेंगे अब यहाँ पर शुक्र भी परिवर्तन करेंगे यकीनन जीवन में बहुत सारी मुश्किलें दूर होगी जीवन की बहुत सारे परिवर्तन होंगे तो चलिए जानते हैं विस्तार से मकर राशि वालों सूर्य आपके आठवें भाव के स्वामी हैं और इस समय सूर्य जो धनु राशि से निकलकर कर यानी आपके लग्न में आएंगे तो यहाँ पर शनिदेव बुद्ध विराजमान है तो ऐसे में जो लग्न होता है वो आपका आत्मा होता है चरित्र व्यक्तित्व का भाव होता है अब इस पीरियड में आप और आपके पिता के बीच थोड़ा सा विवाद या अहंकार जैसी चीज़ें हैं तो इस समय मकर राशि वालों करियर में अचानक से आप प्रसिद्धि पा सकते हैं और साथ ही अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए ये वक्त बढ़िया रहेगा क्योंकि एक नई ऊंचाई छूने को आप बेताब हैं और उसमें सफलता भी मिलेगी अब सूर्य शनि दोनों ही इतने प्रसन्न हैं कि आपको यकीन ऊँचाइयाँ तो देंगे अब इसमें पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपको ऊपर तो साढ़े साथी भी चल रही है तो ऐसे में जीवन साथी के साथ रिश्तों को बेहतर करने का प्रयास कीजिए क्योंकि हो सकता है कि विवाद की संभावना बढ़ जाए तो रिश्तों में जो खटास है उसको दूर करनी आपकी ज़िम्मेदारी है ऐसे में जीवन साथी से बातचीत करते वक्त धैर्य के साथ और शब्दों को लेकर यानी कि बहुत सतर्क रहे कुछ भी बोलने के पहले दो बार सोचें लग्न में सूर्य शनि का युति होने से अच्छे फल भी मिल रहे हैं एक तो आपको सही दिशा प्राप्त होगी भटकाव से आपको दोनों ही पिता पुत्र बचाएंगे और एक मेहनत का जो फल होता है वो आपको जरूर देंगे आर्थिक मामलों में ये वक्त थोड़ा सा उतार चढ़ाव है ऐसे में अगर आपने कहीं किसी को पैसा उधार दिया है तो वापस मिलने में परेशानी आएगी निजी जीवन में सामंजस्य बिठाने में थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत दिखती है तो ऐसे में अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को अलग अलग रखें वरना मानसिक तनाव बढ़ जाएगा और आत्मविश्वास को थोड़ा सा बढ़ाइए जो विद्यार्थी हैं प्रतियोगिता पर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वक्त उत्तम है क्योंकि आपका पढ़ाई पे फोकस भी है और चीजें बेहतर है तो आत्मविश्वास से परिपूर्ण आप धनु राशि के जो सूर्य हैं यहां तक आप हैं लेकिन चौदह जनवरी से क्या होगा कहीं ना कहीं मन में उथल पुथल होगी तीन तीन ग्रह एक साथ जब बैठेंगे तो यकीन चीजों को बेहतर करते हुए भी टेंशन तो है तो भावनाओं को बस में रखें यह समय खासकर स्वास्थ्य का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा और हो सकता है नौकरी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको जाना पड़े परिवार से दूर रहना पड़े तो थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल का भी आपको ख्याल रखना चाहिए एकदम से लापरवाही मत कीजिएगा करियर के मामलों में सूर्य का मकर राशि में आने से आपके लिए वरदान की तरह काम करेगा क्योंकि मान सम्मान भी अचानक से बढ़ेगा प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी और कार्यों में जल्दी से सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी इनकम बढ़ेंगे परिवार में किसी तरह का धार्मिक कार्य भी होने के यहाँ पर योग बने हुए हैं अब देखिए आपकी राशि के लिए हालांकि लाभ और हानि दोनों ही तरह की चीज़ें दे रहा है तो यकीनन यहाँ पर आपके परिवार के सभी लोगों को जोड़ कर रखिएगा तो क्या होगा कि आप टेंशन मुक्त रहेंगे बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद आपके पक्ष में आ जाएगी अब भाग्यशाली राशि हैं आप मकर राशि क्योंकि सूर्य का ये गोचर आपके परिश्रम का फल भी देगा और इस समय आपको कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी भी देगा प्रमोशन के योग बनाएगा मित्रों का सपोर्ट करवाएगा इनकम के नए रास्ते खोलेगा और नए कार्य आरंभ की योजनाएं भी बनवाएगा तो कुल मिलाकर समय उत्तम है थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव है तो हम एक और बात आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर पाएं।